हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस मंत्र एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपके रेलवे का एग्जाम आने वाला है, खासकर असिस्टेंट लोको पायलट का और प्लस टेक्नीशियन का, और जो आपका एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम आने वाला है उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए, खासकर रेलवे की यदि मैं बात करूँ, आप सभी जानते हैं जर्नल साइंस को कितना ज़्यादा आपने देखा होगा नोटिफिकेशन के अंदर कितने ज़्यादा परसेंटेज रखा गया है, तो जर्नल साइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है खासकर रेलवे के एग्जाम के लिए। तो इसीलिए मैं आज आपके साथ केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट प्रश्न डिस्कस करूँगा। और एक और बात, आपने जो मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी 1000 प्लस जीके जीएस क्वेश्चन जो रेलवे में पूछे गए हैं, तो ये उसी का पार्ट टू है। वो पार्ट वन आपका इंग्लिश में था जिसमें मैंने मिक्स प्रश्न डिस्कस किए थे, ये पार्ट टू है जिसमें हम सिर्फ केमिस्ट्री के ही प्रश्न डिस्कस करेंगे जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं। Who proposed the atomic principle of matter? Atomic principle of matter किसने proposed किया था? ये proposed किया था Dalton। Dalton atomic theory पहली ऐसी scientific theory थी जिसने सभी matters को in terms of atoms describe किया था। अब चार part हैं Dalton atomic theory के, वो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ऐसे भी प्रश्न आते हैं जिसमें आपसे ये पूछ लिया जाता है कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है। तो सबसे पहले आपको ट्रू स्टेटमेंट तो पता होनी चाहिए, जब भी आप उस प्रश्न को कर पाओगे। सबसे पहली स्टेटमेंट क्या कहती है थ्योरी की, कि जितने भी मैटर हैं हमारे वो बने हुए हैं किससे? एटम से। जितने भी एटम्स हैं एक एलिमेंट के, वो उन सभी का जो मास होता है वो सेम होगा, आइडेंटिकल होता है, और उनकी प्रॉपर्टी भी क्या होती है? सेम होती हैं। कंपाउंड जो होते हैं, जो टू और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम से बनते हैं, कंपाउंड होते हैं जो टू और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम से बनते हैं, जैसे कि उन्होंने एग्जांपल दिया है सोडियम क्लोराइड का, NaCl का। Na आपका क्या है? सोडियम हाईली रिएक्टिव मेटल है, क्लोरीन आपकी क्या है? टॉक्सिक गैस है। तो जब इनको कंबाइन करते हैं, रिएक्ट करवाया जाता है, तो बनता है NaCl, जो कि क्या होता है? सोडियम क्लोराइड नमक, जो हम खाते हैं। सो कंपाउंड जो बना वो कंबिनेशन है किसका? टू और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स का। फोर्थ पार्ट में वो क्या कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन इज रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। वो कहते हैं कि जैसे आपने देखा कि एन ए सोडियम प्लस क्लोरीन मिलके सोडियम क्लोराइड बना, तो रिएक्टेंट क्या थे आपके? सोडियम और क्लोरीन, और प्रोडक्ट क्या था आपका? NaCl। तो रिएक्टेंट के अंदर जो आपके एलिमेंट थे वही हैं प्रोडक्ट के अंदर। तो आपने देखा कि ये जो चेंजेस आए हैं ये किसकी वजह से आए हैं? रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स की वजह से आए हैं। फोर्थ पार्ट ये कहता है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का। तो ये चारों पार्ट आपको पता होनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका, व्हेन अ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स द एनर्जी सो सिस्टम इज। देखिए, जब भी एटम्स के बीच में बॉन्ड बनता है, ठीक है, तो एनर्जी रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है, ये आपको बताना है। देखिए, जब भी दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, तो रिएक्टेंट के अंदर जो बॉन्ड होता है वो टूटकर टूटता है और प्रोडक्ट के अंदर नया बॉन्ड बनता है। अब जो रिएक्टेंट के अंदर बॉन्ड होता है उन्हें हमें तोड़ने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। किसी भी चीज को तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो जब बॉन्ड को तोड़ने के लिए हम एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं, तो एनर्जी, इसका मतलब क्या हो रही है? एब्जॉर्ब हो रही है। एनर्जी क्या हो रही है? एब्जॉर्ब हो रही है। तो ध्यान रखना, जब भी बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी क्या होती है? एब्जॉर्ब होती है। अब जब आपका नया प्रोडक्ट बनेगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, उसके अंदर नया प्रोडक्ट बनेगा, तो उस केस में जो आपकी एनर्जी होती है, जब नया बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। जब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उस प्रोसेस को बोलते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस, और जब एनर्जी रिलीज होती है उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक, और एंडोथर्मिक में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं बॉन्ड की। बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं? बेसिकली दो टाइप की बॉन्डिंग होती है। पहली होती है आयोनिक बॉन्डिंग और दूसरी होती है कोवलेंट बॉन्डिंग। आयोनिक बॉन्डिंग के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड का मैंने एग्जाम्पल दिया था एन ए प्लस सी एल। देखिए, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। आप जानते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो इस टाइप की जो बॉन्ड बनता है उसे हम आयोनिक बॉन्डिंग कहते हैं। कोवलेंट बॉन्डिंग के अंदर क्या होता है? एटम्स जो होते हैं इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं,
और इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है आपका, उसे हम कोवेलेंट बॉन्डिंग बोलते हैं। जैसे हाइड्रोजन के ऊपर देखिए एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करेगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला, ये आपका क्या बना है, बॉन्ड बना है। इसको मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है। तो कोवेलेंट बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, एटम्स के बीच शेयरिंग होती है। अब ये डिपेंड करता है कि वो डबल बॉन्ड बने, ट्रिपल बने, सिंगल बने। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉन हैव चार्ज विच पॉजिटिव और नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। देखिए आप सभी जानते हैं जो एटम्स होता है उसके अंदर न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्लस क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन के ऊपर क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन की ऊपर होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करके रखता है, खींच के रखता है। तो आप जानते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, तो इसलिए जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं। नेक्स्ट है आपका एलिमेंट इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। कौन सा एलिमेंट मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली क्या होती है कि किसी भी एटम की क्षमता अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने की। अब आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, वो खींचेगा कब, जब उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन एटम्स में ज़्यादा होंगे, क्योंकि प्रोटॉन ही अपनी तरफ खींचता है इलेक्ट्रॉन को। अब जिस एटम्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होंगे वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने की क्षमता उसकी ज़्यादा होगी, बकायदा उसके कि जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन की क्षमता के नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं, कम होते हैं। तो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट फ्लोरीन, जिसकी होती है 3.98 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल पर, और जो और भी एलिमेंट है जिनकी हाई होती है, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, लेकिन ऑक्सीजन क्लोरीन में सबसे ज़्यादा और फ्लोरीन में सबसे ज़्यादा होती है फ्लोरीन की 3.98, ये आपको पता होनी चाहिए। अब पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं, ये प्रश्न भी पूछा गया है कि जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं पीरियोडिक टेबल में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी इंक्रीज होती है, जब हम अप से डाउन जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट डिफाइन बाय, किसी भी एलिमेंट की हम केमिकल प्रॉपर्टी कैसे डिफाइन करेंगे। देखिए जितने उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे वो एलिमेंट उतना ही ज़्यादा क्या होगा, हाईली रिएक्टिव होगा, और उतने जिसके उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कम होंगे उतना ही वो क्या होगा, लेस रिएक्टिव होगा। तो जो आपके केमिकल प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट की वो डिफाइन की जाती है, ठीक है। अब एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन फाउंड इन एटम्स न्यूक्लियस के अंदर। सो यहाँ पे देखिए यदि ये एलिमेंट है इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन आपके 4 है तो एटॉमिक नंबर आपका क्या हो गया, इस एलिमेंट का 4 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एटॉमिक वेट किसके बराबर होता है, देखिए एटॉमिक वेट यहाँ पर मैं समझाने के लिए आपको दो कार्बन के दो आइसोटोप लेता हूँ, 12C और 13C। अब आइसोटोप क्या होते हैं, सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए, आइसोटोप होते हैं जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है, जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स। एग्जांपल देखिए आप, जैसे आपने पता है हाइड्रोजन होती है, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है और एक उसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, और इसी का एक आइसोटोप होता है हाइड्रोजन का, जिसमें एक प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज और एक न्यूट्रॉन होता है, ये क्या होता है, ये आपका न्यूट्रॉन। ये जो पहले वाला आइसोटोप होता है हाइड्रोजन का, इसे हम बोलते हैं प्रोटियम, और जो ये सेकंड वाला होता है आइसोटोप, इसे हम बोलते हैं ड्यूटेरियम।
मैंने बताया एटॉमिक नंबर सेम होता है आइसोटोप का, एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के। तो इसमें देखिए पॉजिटिव चार्ज है क्या न्यूक्लियस के अंदर, तो इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, वन, और इसमें भी क्या है नंबर ऑफ प्रोटॉन वन। और जो थर्ड होता है आइसोटोप हाइड्रोजन का, उसके अंदर क्या होता है, एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा, तो अब बताइए जो आपका पॉजिटिव चार्ज है एक ही रहेगा। अब इसके अंदर कितने न्यूट्रॉन होते हैं, इसके अंदर दो न्यूट्रॉन होते हैं, एक ये और एक ये। देखिए जैसे यहां पे इसमें जीरो न्यूट्रॉन थे और यहां पे एक न्यूट्रॉन हो गया और यहां पे दो न्यूट्रॉन हो गए, तो जब न्यूट्रॉन ऐड होते हैं तो आपका मास क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो ध्यान रखना जो ये थर्ड आइसोटोप है इसका नाम होता है ट्रिटियम। ट्रिटियम, अब जो एटॉमिक मास की मैं बात करूं, ट्रिटियम का सबसे ज्यादा होता है, उससे कम होता है ड्यूटेरियम का और उससे कम होता है प्रोटियम का। तो मैंने बताया जिनका एटॉमिक नंबर सेम होगा उन्हें हम आइसोटोप बोलते हैं। अब देखिए ये तो चलो हमने डायग्राम से रिप्रेजेंट कर दिया, अब हम इसको लिखेंगे कैसे ताकि हम पता चल जाए कि ये जो पर्टिकुलर है ये आपका प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है, ट्रिटियम है। हर बार हम ये डायग्राम तो नहीं बनाएंगे इनको रिप्रेजेंट करने के लिए, तो कुछ लिखने का इनका तरीका होगा केमिस्ट्री के अंदर, हम इनको कैसे लिखते हैं। देखिए कोई भी एलिमेंट होता है, फॉर एग्जांपल उसका एन एलिमेंट है, कोई भी एक एलिमेंट है एन, हमेशा जो उसके मास नंबर होता है, ध्यान रखना मास नंबर हमेशा ऊपर लिखा जाता है सुपरस्क्रिप्ट में, और जो उसका एटॉमिक नंबर होता है, जो उसका एटॉमिक नंबर होता है वो हमेशा लिखा जाता है सबस्क्रिप्ट में नीचे। अब यदि मेरे को प्रोटियम को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे, ये आइसोटोप है किसका, हाइड्रोजन का। अब मैंने बताया कि मास नंबर ऊपर लिखते हैं, अभी मास नंबर क्या होता है ये तो पता होना चाहिए हमें, मास नंबर क्या होता है आपका, ध्यान रखना मास नंबर होता है एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मास नंबर जो होता है आपका, कहने का मतलब ये हुआ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब इसका मास नंबर कितना है, इसका मास नंबर देखिए इसमें प्रोटॉन कितने हैं, एक और न्यूट्रॉन जीरो, प्रोटॉन एक और न्यूट्रॉन जीरो। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, एटॉमिक नंबर नीचे और मास नंबर ऊपर, तो ये हो गया 1H1 यानी कि ये हो गया प्रोटियम। और ड्यूटेरियम को मैं कैसे लिखूंगा, हाइड्रोजन है इसका। अब बताइए मेरे को एटॉमिक नंबर कितना है, एक ही पॉजिटिव इसमें जो है प्रोटॉन है, तो इसका एटॉमिक नंबर एक हो गया। और इसमें अब बताइए मास नंबर कितना होगा, मास नंबर मैंने बताया था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, अब इसमें एक न्यूट्रॉन ऐड हो गया तो 1+1 मेरे को क्या मिला, 2, तो इसको हम लिखेंगे ऐसे 2H1। और ट्रिटियम को हम कैसे लिखेंगे, एक प्रोटॉन प्लस दो न्यूट्रॉन 3 आपका हो गया मास नंबर H, और 1 हो गया एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे आप देखिए नीचे जब भी आपको ऐसे एलिमेंट दिखें जिनका ये सबस्क्रिप्ट में जो नंबर लिखा हुआ है वो सेम हो, तो मतलब कि वो क्या है, आइसोटॉप से, ठीक है, जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है। अब हम बात कर रहे थे एटॉमिक वेट की, कि एटॉमिक वेट हम कैसे निकालेंगे। देखिए जो हमारी अर्थ है उसके अंदर जो ये वाला आइसोटोप है कार्बन का, वो पाया जाता है 98.89% और बाकी का है 1.110% है ये वाला आइसोटोप कार्बन का। अब जो 12C कार्बन है उसका जो एटॉमिक मास यूनिट है वो है 12.000, और जो ये वाला आइसोटोप है उसका एटॉमिक मास है 13.0034 एटॉमिक मास यूनिट AMU। अब इसका एटॉमिक मास है 12.00 इनटू, ये कितना परसेंट है अर्थ के अंदर, 98.89% परसेंट है, परसेंट को हम कैसे लिखेंगे, 0.9889 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। प्लस दूसरा उसका आइसोटोप है कार्बन का कौन सा, 13 से, ये कितने परसेंट है, 1.110 यानी कि 0.01, तो इसको मैं लिखूंगा 12
इनटू में 0.9889 प्लस 13 इनटू में 0.111 और ये जो आपका नंबर आएगा इसको कैलकुलेशन करने के बाद वो आएगा 12.01 जो कि हो गया आपका एटॉमिक वेट किसका, कार्बन का। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ओरिएंटेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज कंट्रोल्ड बाय, जो एटॉमिक ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन ओरिएंटेशन होती है वो किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है, कौन से क्वांटम नंबर के द्वारा कंट्रोल की जाती है। देखिए तीन क्वांटम नंबर होते हैं, पहला होता है n जिसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा होता है l जिसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंगुलर क्वांटम नंबर और एक होता है m जिसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब जो आपका n होता है, n जिसे हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं, वो बताता है साइज ऑफ शेल या मैं यूं कहूं एनर्जी लेवल। कैसे, हाउ? देखिए जब n की वैल्यू आपकी 1 होगी, यहां पर आप देखिए n की वैल्यू वेरी करती है 1 से 2 3 ठीक है। अब जब n की वैल्यू 1 होगी इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पॉजिटिव है आपका ये आपका न्यूक्लियस है। ठीक है, n जब n की वैल्यू 1 होगी तो आपका जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से इतनी दूरी पर होगा ये। जब n की वैल्यू 2 होगी तो वही इलेक्ट्रॉन आपका न्यूक्लियस से इतनी दूरी पर होगा, जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वाला आपका इलेक्ट्रॉन है इसका जो एनर्जी लेवल है वो ज्यादा है जब n की वैल्यू आपकी क्या थी, 1 थी उसके मुकाबले। तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है n वो साइज ऑफ शेल या मैं कहूं एनर्जी लेवल को बताता है। फिर इसके बाद है दूसरा आपका l एंगुलर क्वांटम नंबर। अब l की जो वैल्यू होती है वो होती है n माइनस 1, क्या होती है n माइनस 1। जब आप n की वैल्यू 1 लोगे, n की वैल्यू आपने क्या ले ली, 1 ले ली, तो l की वैल्यू आपकी क्या हो गई, 0। l की वैल्यू आपकी क्या हो गई, 0। जब l की वैल्यू एंगुलर क्वांटम नंबर की वैल्यू आपकी 0 होगी इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका ऑर्बिटल है वो स्फेरिकल शेप का है, आपका जो ऑर्बिटल है वो स्फेरिकल शेप का है। इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका एंगुलर क्वांटम नंबर है वो हमें क्या बताता है, शेप ऑफ ऑर्बिटल, वो हमें क्या बताता है, शेप ऑफ ऑर्बिटल। अब जब आपकी n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू क्या होगी, n माइनस 2 माइनस 1 यानी कि 1, यानी कि l की अब दो पॉसिबल वैल्यू होंगी, एक होगी 0 और एक होगी 1। जब l की वैल्यू 0 थी तो शेप क्या थी, स्फेरिकल थी, और जब l की वैल्यू 1 होगी, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर की वैल्यू आपकी 1 होगी, तब आपका जो ऑर्बिटल होगा उसकी शेप क्या होगी, ये, इसे आप डंबल शेप बोल सकते हैं, डंबल शेप। ठीक है, ये आपका रिप्रेजेंट करता है पी ऑर्बिटल। अब जो थर्ड है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं एम से। तो एम एल की यदि मैं बात करूं, इसकी वैल्यू वेरी करती है माइनस एल टू प्लस एल। जब आपकी एल की वैल्यू 0 थी तो एम की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका शेल है उसके कितने नंबर ऑफ स्पिन हो सकते हैं, 1। और ये सही भी है, कैसे, देखिए जो आपका स्फीयर होता है, स्फीयर होता है ठीक है, वो एक ही तरीके से स्पिन कर सकता है। जब आपकी एल की वैल्यू 1 होगी इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है एम उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, माइनस 1, 0 और प्लस 1। उसकी पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, माइनस 1, 0 और प्लस 1। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अब आपका ऑर्बिट है उसकी कितनी पॉसिबल स्पिन हो सकती है,
तीन, माइनस वन की बात करूं मैं, एक हो सकता है एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग, ये रहा एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग, एक हो सकती है आपकी वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग स्पिन, दूसरी स्पिन ये रही, और तीसरी स्पिन जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग ये। तो जो आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है वो एटॉमिक ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन को क्या करता है, कंट्रोल करता है, ये आपको पता होना चाहिए। आई होप आपको ये सारी चीज जो मैंने आपको बताई है समझ में आ गई होगी। एक और क्वांटम नंबर होता है जिसे हम स्पिन क्वांटम नंबर बोलते हैं, ठीक है, ये एंगुलर मोमेंटम बताता है इलेक्ट्रॉन का। जो इलेक्ट्रॉन आपका एक्सिस के अराउंड स्पिन करता है उसका एंगुलर मोमेंटम भी होता है और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी होता है। आप जानते हैं एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी है। तो जो आपका स्पिन क्वांटम नंबर है जिसे हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके दोनों मैग्नीट्यूड होंगे 1/2, और जो उसकी डायरेक्शन होगी पॉजिटिव और नेगेटिव। जब वो उसकी डायरेक्शन अप होगी तो हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, जब उसकी डायरेक्शन डाउन होगी तो हम नेगेटिव वैल्यू लेंगे। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है +1/2 और -1/2। नेक्स्ट है आपका हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर्ड किया था। देखिए ये साइंटिस्ट है जिन्होंने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था, इनका नाम है जेम्स चैडविक, सर जेम्स चैडविक। ये इस खोज के लिए इन्होंने वर्ष 1935 का नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स के लिए, ठीक है, वर्ष 1932 में इन्होंने खोज की थी न्यूट्रॉन की। अब हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं एक बार, प्रोटॉन, न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूक्लियस की। आप जानते हैं न्यूक्लियस, एटम का न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के ही अंदर आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हो साफ साफ। अब जो न्यूक्लियस होता है उसको डिस्कवर किया था वर्ष 1911 में किसने, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, ठीक है, 1920 में इन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। अपने एक्सपेरिमेंट में इन्होंने ये भी पाया था कि न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूट्रल पार्टिकल भी है। अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर इन्होंने पाया कि न्यूट्रल न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूट्रल पार्टिकल भी है, बट वो उसको डिफाइन नहीं कर पाए, और इस चीज़ को आगे जाके डिफाइन किया किसने, सर जेम्स चैडविक ने, अभी हमने बात की थी, जिन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी वर्ष 1972 में, ठीक है। तो न्यूक्लियस होता है, अब ऐसे इसको ऐसे समझते हैं हम, जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका प्रोटॉन, प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, और प्रोटॉन को भी डिस्कवर किया था किसने, रदरफोर्ड ने, कौन से एक्सपेरिमेंट में, कैथोड रे ट्यूब, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है कैथोड रे ट्यूब से रिलेटेड, ठीक है। तो प्रोटॉन की भी जो खोज है किसने की थी, रदरफोर्ड ने। अब एक और चीज ध्यान रखना, यदि आपसे कंपैरिजन पूछे कभी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास का, तो प्रोटॉन का जो मास होता है न्यूट्रॉन के मास से लगभग थोड़ा सा स्मॉल होता है, तो आप कह सकते हैं न्यूट्रॉन का मास ज्यादा होता है प्रोटॉन से, ये चीज भी आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जितने आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वो आपका क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, वो आपका क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। यदि आपसे बोलता है कभी कि एक न्यूट्रल एलिमेंट है, आपसे कभी ऐसे पूछे प्रश्न में, एक न्यूट्रल एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 6 है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। मैंने आपको बताया था एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, प्रोटॉन के। प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है,
पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है नेगेटिव, तो न्यूट्रल कब होगा जब सिक्स आपके पॉजिटिव ये होंगे प्रोटॉन होंगे और सिक्स ही आपके क्या होंगे इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो एलिमेंट आपका क्या होगा न्यूट्रल होगा, ये ध्यान रखना आपको, तो वो एलिमेंट आपका क्या होगा न्यूट्रल होगा। ये प्रश्न आया है, मैंने इसीलिए आपको बताया है, इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स जैसे कि मैंने बताया नेगेटिव चार्ज होता है इनके ऊपर और जो इनका साइज होता है वो लगभग 1800 गुना कम होता है प्रोटॉन कहिए या न्यूट्रॉन कहिए उससे। और जे जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था इलेक्ट्रॉन को वर्ष 1897 के अंदर, जो ओरिजिनल नाम था वो था कॉर्पस्कल्स, जो इन्होंने डिस्कवर किया था उसका ओरिजिनल नाम इन्होंने रखा था कॉर्पस्कल्स। नेक्स्ट है आपका आइसोबार्स, जैसे कि हमने पढ़ा था आइसोटोप, आइसोटोप हमने पढ़ा था, अब आता है आपका आइसोबार। आइसोबार क्या होते हैं, जिन एटम्स के अंदर सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन होते हैं वो आपके क्या होते हैं आइसोबार। अब सोच रहे होंगे कि आप न्यूक्लियॉन क्या होते हैं, देखिए प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का जो सम होता है उसे हम न्यूक्लियॉन बोलते हैं, ठीक है। अब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का जो सम होता है वो आपका क्या होता है मास नंबर। मास नंबर को हम कैसे लिखते हैं, जैसे कि मैंने बताया था एन एलिमेंट है उसका मास नंबर है मान लीजिए एम, तो एम को हम लिखते हैं ऊपर और एटॉमिक नंबर होता है ए उसको हम लिखते हैं नीचे। तो यानी कि इसका मतलब जितने भी एलिमेंट होंगे जिनका मास नंबर जो सेम होगा वो सारे के सारे क्या होंगे आइसोबार। ये देखिए ये आपका आइसोबार है आयरन और ये निकल, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी 58 है और यहाँ पे भी क्या है 58 है, तो ये होते हैं आपके क्या आइसोबार। नेक्स्ट है आपका आइसोटोन, आइसोटोन क्या होते हैं, आइसोटोन होते हैं जिनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर होते हैं, वो सारे के सारे होते हैं आपके आइसोटोन। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, जैसे कि मैंने बताया था, जैसे यहां पे देखिए 16 8 O ऑक्सीजन का लिखा है, मास नंबर कितना है 16, एटॉमिक नंबर कितना है 8, एटॉमिक नंबर यानी कि होता है जितने आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए 8 हो गए, और ये जो मास नंबर होता है सम होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का, तो 16 में से 8 गए 8, तो आपके पास क्या बचा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 8। अब ऐसे ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन इनमें सभी में न्यूट्रॉन की संख्या क्या है बराबर, तो ये सारे के सारे क्या है आइसोटोन बिकॉज ऑफ सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 8। नेक्स्ट है आपका एन अलॉय यूज्ड इन मेकिंग हीटिंग एलिमेंट, हीटिंग एलिमेंट के लिए जो अलॉय यूज किया जाता है उसका क्या नाम होता है, वो होता है आपका नाइक्रोम। नाइक्रोम को हम निकल क्रोमियम अलॉय भी बोलते हैं, इसका फॉर्मूला केमिकल फॉर्मूला होता है NiCr, Ni स्टैंड फॉर निकल, Cr फॉर क्रोमियम। जब हम इसमें थोड़ी मात्रा में आयरन भी मिला देते हैं तो इसका केमिकल फॉर्मूला बन जाता है NiFeCr, Fe होता है आपका आयरन। इसके अंदर 80% निकल और 20% क्रोमियम रखा जाता है, यानी कि 8/20 का रेशियो रखा जाता है नाइक्रोम के अंदर। अब जो नाइक्रोम होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 1400 डिग्री। ऑपरेटिंग टेम्परेचर की बात करें जिसपे आपके मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस ऑपरेट करते हैं, सो जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर है नाइक्रोम का वो होता है 900 डिग्री, ये आपको ध्यान रखना है। अब चूंकि हाई रेजिस्टेंस है और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है, ठीक है, तो इसका यूज क्या होता है आप सभी जानते हैं, ये आप कॉइल देखते होंगे लगभग हमें इसमें देखने को मिलती है, हीटर के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है, तो ये है आपका नाइक्रोम। नेक्स्ट है आपका जर्मन सिल्वर इज मेड ऑफ, जर्मन सिल्वर किससे बना होता है, बेसिकली जो जर्मन सिल्वर है कहने के लिए नाम में इसके अंदर सिल्वर आता है लेकिन इसमें सिल्वर नहीं होता, ये आपका बेसिकली अलॉय होता है कॉपर जिंक और निकल का, जिसके अंदर
50% कॉपर, 19% जिंक और निकल 30% होता है और ये हाईली रेजिस्टेंस होता है किसके प्रति, कोरोजन के प्रति, इसलिए इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आपका नेम द ओर ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की क्या ओर होती है ये आपको बताने। देखिए ओर से रिलेटेड तो प्रश्न आपसे पक्का पूछा ही जाएगा, चाहे वो CHSL है चाहे वो रेलवे है, 100% आपसे एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। तो एल्युमिनियम की बेस जो मेन ओर है वो है बॉक्साइट, इसके अलावा और कौन कौन सी हैं, क्रायोलाइट भी पूछा जा चुका है आपसे एग्जाम में। तो बॉक्साइट और क्रायोलाइट अक्सर ही आपसे एग्जाम में पूछा जाता है एल्युमिनियम को लेकर, बाकी और हम डिस्कस कर लेते हैं जैसे कि सोडियम, चिली साल्ट पेटर और होती है किसकी, सोडियम की, बोरेक्स इंपॉर्टेंट है, कॉमन साल्ट, ये सारी की सारी किसकी हैं और सोडियम की। फिर बात करते हैं पोटेशियम, पोटेशियम जिसे रिप्रेजेंट करते हैं के से, इसकी होती है कैर्नेलाइट। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की होती है आपकी कैर्नेलाइट डोलोमाइट, इंपॉर्टेंट है डोलोमाइट, पूछा जा चुका है एग्जाम में, जो इंपॉर्टेंट है मैं आपसे वही डिस्कस कर रहा हूं। कैल्शियम, कैल्शियम की इंपॉर्टेंट है कैल्साइट। एस्बेस्टस, फिर आता है आपका कॉपर, कॉपर पाइराइट, क्यूपराइट, ये इंपॉर्टेंट और हैं। सिल्वर, सिल्वर की होती है रूबी सिल्वर, गोल्ड, कैल्वेराइट इंपॉर्टेंट है, सिल्वेनाइट्स, सिल्वेनाइट्स भी और है किसकी, गोल्ड की। इसके बाद आती है जिंक, जिंक की है आपकी कैलेमाइन, कैलेमाइन जिंक ब्लेंडे। मरकरी, मरकरी की होती है सिनेवर, ये पूछा जा चुका है। टिन, टिन की होती है कैसेटेराइट, लीड गेलेना काफी बार पूछा गया है। आयरन, आयरन की मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आयरन की है हेमेटाइट मैग्नेटाइट, ये काफी बार पूछा जाता है हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। कोबाल्ट, कोबाल्ट की है स्मेलाइट, स्मेलाइट। निकल की है मिलेराइट। यूरेनियम पूछा गया है पिच ब्लेंडे, पूछा जा चुका है आपसे यूरेनियम की और पिच ब्लेंडे किसकी और है, यूरेनियम। तो ये इंपॉर्टेंट ओर्स हैं आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका ब्रास इज एन अलॉय ऑफ, ब्रास किसका अलॉय है, ब्रास अलॉय है आपका कॉपर और जिंक का। अलॉय से भी रिलेटेड एक प्रश्न आपसे जरूर पूछा जाएगा। अब यहां पर इंपॉर्टेंट मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं, ब्रास का हमने डिस्कस किया, कॉपर और जिंक का, ब्रॉन्ज होता है आपका कॉपर और टिन का, SN डिनोट करता है टिन, TIN टिन। जर्मन सिल्वर ये हमने अभी कर लिया, कॉपर जिंक और निकल। गन मेटल, कॉपर जिंक और टिन, कॉपर जिंक और टिन। सोल्जर, सोल्डर जो होती है टांका जिसके साथ हम लगाते हैं उसमें टिन और लीड। स्टील बनी होती है आयरन प्लस कार्बन की और स्टेनलेस स्टील के अंदर थोड़ा क्रोमियम मिला दिया जाता है। और निकल, आयरन प्लस क्रोमियम प्लस निकल। तो ये इंपॉर्टेंट आपके अलॉय हैं जो आपको पता होनी चाहिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका विच टाइप ऑफ ग्लास इज यूज फॉर मेकिंग रेनफोर्स्ड प्लास्टिक, रेनफोर्स्ड प्लास्टिक बनाने के लिए किस टाइप के कांच का यूज किया जाता है। तो यूज किया जाता है आपका फाइबर ग्लास। फाइबर ग्लास का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आपका नेम द मेटल एंड नॉन मेटल फाउंड इन लिक्विड स्टेट। नॉन मेटल जो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है वो है आपकी ब्रोमीन, वो है आपकी ब्रोमीन। और जो लिक्विड स्टेट में मेटल पाई जाती है आपकी वो है मरकरी। मरकरी रूम टेम्परेचर में क्या होता है, लिक्विड, और ब्रोमीन आपकी नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में होती है रूम टेम्परेचर पर। तो ये इंपॉर्टेंट है, दोनों आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका अक्यूट लीड पॉइजनिंग इज नोन एज, अक्यूट लीड पॉइजनिंग को क्या कहा जाता है, अक्यूट लीड पॉइजनिंग को कहा जाता है प्लम्बिज्म,
PLUMBISM एक्यूट लीड पॉइजनिंग को कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका रस्टिंग ऑफ आयरन इज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, जो जंग लगता है लोहे को वो प्रोसेस है जो ऑक्सीडेशन है या फिर रिडक्शन है। सबसे पहले ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन क्या है आपको पता होनी चाहिए। इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करूं मैं तो जब इलेक्ट्रॉन रिड्यूस होता है तो उसे हम बोलते हैं रिडक्शन, और जब इलेक्ट्रॉन गेन किया जाता है उसे हम बोलते हैं रिडक्शन, और जब इलेक्ट्रॉन लूज किया जाता है उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। इस प्रोसेस में आप देखिए मैग्नीशियम आपका कौन सी स्टेट में है, मैग्नीशियम में दो इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं छोड़े हैं, इसीलिए आपके इस पे क्या है पॉजिटिव चार्ज है, तो ये आपका क्या हुआ ऑक्सीडाइज हुआ। कॉपर है उसने दो इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो वो आपका क्या हुआ रिड्यूस हुआ। तो इन टर्म्स ऑफ यदि मैं ऑक्सीजन ट्रांसफर की बात करूं, ऑक्सीडेशन इज गेन ऑफ ऑक्सीजन और रिडक्शन इज लॉस ऑफ ऑक्सीजन। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं रिएक्शन जो CO है उसका क्या हुआ है ऑक्सीडेशन, ठीक है, और जो Fe2O3 है उसका क्या हुआ है रिडक्शन। सो रस्ट आपका क्या है आयरन ऑक्साइड रस्ट को बोला जाता है, यूजली रेड ऑक्साइड बोला जाता है। रस्ट से रिलेटेड ये भी प्रश्न पूछा जाता है यदि लोहे को जंग लगता है तो उसका वेट क्या होता है, इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, तो उसका वेट क्या होता है इंक्रीज होता है। रिएक्शन आपसे पूछ ली जाए रस्ट की तो ये रिएक्शन है आपकी 4Fe+3O2+6H2O आपको देगा 4FeOS3, ये आपकी रिएक्शन है रस्टिंग की। इसी इक्वेशन को यदि मैं वर्ड में लिखूं तो आयरन प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, वाटर और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में लोहे को क्या लगता है जर लगता है, तो आपको क्या मिलेगा हाइड्रेटेड आयरन। नेक्स्ट है आपका विच मेटल इज यूज टू गैल्वेनाइज आयरन, आयरन को हम गैल्वेनाइज क्यों करते हैं, उसको जंग से बचाने के लिए यानी कि उसको रस्ट से बचाने के लिए। अब गैल्वेनाइज के लिए कौन सी मेटल यूज की जाती है, गैल्वेनाइज करने के लिए हम जिंक का यूज करते हैं। ये प्रोसेस यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले जो सरफेस प्रिपरेशन की जाती है जिसके ऊपर हमें जिंक को चढ़ाना है उसकी सफाई की जाती है वेरियस प्रोसेस से, जैसे कि कॉस्टिक क्लीनिंग, रिंसिंग, पिकलिंग और फ्लक्स सोल्यूशन के अंदर फिर बाद में उसको डाला जाता है। एंड में हम उसे जो है सोल्यूशन के अंदर डालते हैं जिंक के अंदर और बाद में उसे सुखाकर इंस्पेक्शन के लिए आपका रख दिया जाता है, तो ये आपकी प्रोसेस होती है गैल्वेनाइजेशन। इससे हम क्या करते हैं लोहे को जंग लगने से बचाते हैं। नेक्स्ट है आपका विच एलिमेंट बिहेव्स केमिकली बोथ मेटल एंड नॉन मेटल, कौन सा एलिमेंट है जो केमिकली बात करें तो मेटल और नॉन मेटल दोनों बिहेव करता है, तो वो है एलिमेंट आपका बोरॉन, वो एलिमेंट है आपका बोरॉन। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, एटॉमिक वेट 10.811 होता है, जो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 2550 डिग्री, और जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 1s2 2s2 2p1। और सन 1808 में फर्स्ट टाइम इसे आइसोलेट किया था कौन से साइंटिस्ट ने, जोसेफ लुइस गे और लुइस जैक्वस ने। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी लेकर आ रहा हूं केमिस्ट्री के लिए आपके लिए, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।